फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे सैरी एलिकमेंस के बारे में, जो गई खेला जाएगी यहाँ से वेरोना और जेनवा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गई इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से भी देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कॉमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गई सैरी ए लीग में वेरोना की जो पोजीशन है फिलहाल के टाइम पर 10th है। वहीं पर बात करें जेनवा की जो पोजीशन है वहां पर आपको 18 देखने को मिलेगी। तो गई इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गई अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गई मैं फिलहाल के लिए वेरोना को ही एक फेवरेट टीम मान के चलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में भी है, प्लस इस टीम की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू जेनवा, ओके। तो इसीलिए मैं वेरोना को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गई हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से सिर्फ एक मर्तबा इस टीम ने मैच को विन किया है और 3 मैच इस टीम ने ड्रॉ खेले और एक मैच लॉस भी किया। अटैकिंग वाइज 1.4 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब भी वेरोना इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी इस टीम सामने पर मैच में 2 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस वाइज भी कहीं ना कहीं इस टीम सामने 1 या 2 गोल तक पर मैच में कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस में इक्वली रहा है, अटैक से लेकर डिफेंस तक, मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक। तो दोनों टीमों ने सेम ही लेवल का परफॉर्मेंस दिया हुआ है हेड टू हेड मैचेस में। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को इन दोनों टीमों ने 3-3 से मैच को ड्रॉ खेला। तीनों मतलब दोनों टीमों ने 3-3 गोल उस मैच में किए, लेकिन डिफेंस से 3-3 गोल कंसीड किए। और उससे पहले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेले गए और दोनों मैच को इन दोनों टीमों ने एक तो डिफेंसिव वाइज ड्रॉ खेला और एक मैच टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। और उसे भी मुकाबले जेनवा इस टीम के सामने 3-0 से मैच को विन भी किए और एक मैच यहां से वेरोना 2-1 से उस मैच को विन भी किया। तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड मैचेस में इन दोनों टीमों का इक्वली रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों की जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस वेरोना करंटली खेल चुकी है 6 मैच, जिनमें से 2 मैच विन, 3 ड्रॉ, सिर्फ 1 मैच लॉस। अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 2 और कभी कभी तो टीम 3 या 4 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना हल्के टीम के सामने तो गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक काफी शानदार रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेरोना को। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एम्पोली के सामने टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल कर आ रही है और उससे भी मुकाबले ये नापोली के सामने खेली और नापोली काफी अच्छी टीम है और उस टीम के सामने इसका लॉस करना बनता है, लेकिन उससे पहले मुकाबले ये टीम अटैकिंग वाइज फिर से मैच को ड्रॉ खेली, वो भी फियोरेंटिना के सामने, और फियोरेंटिना भी काफी अच्छी टीम है, ओके। उससे पहले मुकाबले ये वेनेजिया के सामने खेली और 3-1 से मैच को विन कर गई, और रोमा के सामने टीम 2-2 से मैच को ड्रॉ खेली और एक मैच इस टीम ने ओडिनेसे के सामने खेला और 4-0 से मैच को विन कर लिया। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का अटैकिंग वाइज काफी शानदार है, लेकिन डिफेंस वाइज कहने का ये टीम पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस अब बात आती है जो जेनवा करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस जेनवा ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से सिर्फ 1 मैच विन किया, 5 मैच ड्रॉ खेले हैं, लॉस इस टीम ने अभी तक नहीं किया। अटैकिंग वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। काफी हैरान कर देने वाला स्टैट्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि अटैकिंग वाइज मतलब ये टीम पर 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करती है और कभी कभी तो गोल भी नहीं करती, लेकिन डिफेंस ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। आप मान सकते हो इस टीम ने पिछले 6 मैच में सिर्फ 2 ही गोल कंसीड किए हैं। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर थोड़ा सा डाउन है, लेकिन डिफेंस काफी बेहतर है। बात करें जो पिछला मैच टोरिनो के सामने 1-0 से विन, और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने डिफेंस वाइज ड्रॉ खेले, और ऐसे नहीं कोई हल्की टीम के सामने खेले, अटलांटा इस लीग की टॉप बेस्ट टीम, इंटर मिलान जो कि इस लीग की टॉप बेस्ट टीम, और एम्पोली एक एवरेज टीम। अब उन तीनों टीम के सामने अगर ये टीम मैच को डिफेंस वाइज ड्रॉ खेले तो आप अंदाजा लगा सकते इस टीम का डिफेंस वास्तव में अच्छा है। उससे पहले मुकाबले ये वेनेजिया के सामने 1-1 से ड्रॉ खेली है और एक मैच इस टीम ने सालर निटाना के सामने 1-1 से ड्रॉ खेला है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक इक्वली रहा है। तो गाइस अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर भी कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग तो वेरोना की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू जेनवा, ओके। तो रीसेंट हेड टू हेड मैचेस के अनुसार देखा जाए तो
तो गाइस दोनों टीमों का इक्वली परफॉर्मेंस रहा है अटैक्स लेकर डिफेंस तक। तो बात करें रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, वेरोना की जो परफॉर्मेंस है इसने भी काफी शानदार दिया, लेकिन जेनो का जो डिफेंस है वो काफी शानदार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको दोनों टीमें इक्वली परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। तो गाइस अब बात आती है, अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन आपको कहीं ना कहीं इस मैच में 0-0 ड्रॉ देखने को मिल सकता है, और 0-0 ड्रॉ का अकॉर्डिंग ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले। तो हम सबसे पहले नजर डालेंगे वेरोना के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे जेएनओ के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं वेरोना के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कन्फर्म आपके लिए इन्फॉर्मेटिव मैं लाता रहता हूँ, और उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और गाइस हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो हम सब उस पर नजर डालेंगे वरुणा के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस वरुणा की टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर गिवोनी सिमेओन, इस टीम की तरफ से 15 गोल निकाल चुका, और मुझे तो ये मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर लगता है, इनको ट्राई मतलब टीम में ट्राई करेंगे। एंटोनिन ब्राक जो कि इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है और कहीं ना कहीं सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कापरारी ये भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है रिसेंटली। अगर इन तीन प्लेयर्स में जो भी दो खेले ना तो उनको आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, यहाँ से एड्रियन तमीज है जिसने इस टीम के लिए 4 गोल किए, निकोला है जिसने 4 गोल किए, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी ने भी एक दो दो गोल किया है, इनका भी आप रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैंने उनको राइट का टिक कर दिया, उन्हें आप टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालेंगे असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। असिस्ट में देखा जाए तो यहाँ से कैपरारी जो कि इस टीम तरफ से असिस्ट प्लस गोल दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा डेविड जो कि इस टीम तरफ से 5 असिस्ट, और यहां से ब्राक जिसने 4 असिस्ट, और यहां से लशांगा जिसने 4 असिस्ट निकाले, और यहां से लाजोविक जिसने 4 असिस्ट निकाले। बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको हम अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते, तो यहाँ से फर्स्ट चॉइस मेरी ये रहेगी, ब्राक रहेगी, और यहाँ से आपके सामने अगर डेविड फरोना खेलते तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको भी ट्राई करके चल लेना। ओके, अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं जेनोवा के प्लेयर्स के बारे में भी। तो गाइस जेनोवा की टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से डेस्ट्रो जिसने 9 गोल किए, और यहाँ से क्रिस्टिको मतलब किटो जिसने 5 गोल किए, लेकिन इसने 5 गोल किए ना वो सारे के सारे पेनल्टी टीम के, और इसने ओपन प्लेयर्स किए, तो दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मैच में एक्सपेक्ट करो कि दोनों तरफ से गोल होंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों को ट्राई करना। फारिस इस टीम तरफ से 2 गोल कर चुके, बाकी सभी प्लेयर्स ने एक एक गोल किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो ये दो प्लेयर अगर गोल नहीं करेंगे इस टीम के लिए तो ये टीम मैच ना ही विन कर पाएगी ना ही मैं ड्रॉ खेल पाएगी। ओके, तो उस कंडीशन में ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट, तो ट्राई करके चल लेना। ओके, बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए इन प्लेयर्स के लिए, तो नजर डालते हैं हम असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। गाइस असिस्ट में देखा जाता है यहाँ से एंड्रिया जिसने 4 असिस्ट निकाले, और यहाँ से निकोला जिसने 3 असिस्ट निकाले, और यहाँ से क्लेब इकोबान जो कि 1 गोल 2 असिस्ट निकाल चुका, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन। अभी के लिए हमने 0-0 ड्रॉ रखा, और 0-0 ड्रॉ का अकॉर्डिंग क्या रहती है इस मैच जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नजर डालते हैं हम इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। हाँ दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस बात करें गोलकीपर में, जो फर्स्ट चॉइस रहेगी मेरी यहाँ से जेनोवा की तरफ से रहेगी, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा यहाँ से मोंटिपो को ट्राई करो। क्यों? क्योंकि वेरोना का जो थोड़ा सा डिफेंस है कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है, और यहाँ से जो जेनोवा का जो डिफेंस है वो काफ़ी शानदार है, तो मुझे नहीं लगता इसके पास ज़्यादा गोल सेव करने के चांस रहेंगे, लेकिन जनता इसी को ले रही है तो मैं भी इन्हीं को ट्राई करता हूँ, लेकिन मोंटिपो भी एक अच्छा प्लेयर है। ओके, मैं यहाँ से भी इसी को पिक करता हूँ। बात करें यहाँ से डिफेंडर में से, तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से आपके सामने दो प्लेयर रहेंगे, यहाँ से फरोनी और ये। ओके, क्योंकि फ्रॉन इसलिए क्योंकि असिस्ट पोटेंशियल भी है और गोल कहीं ना कहीं निकाल लेते, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और यहाँ से हम पिक कर चलेंगे वरुणा की तरफ से गंटर को। ओके, हफ्ते अगर खेलेगा तो इनको ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छे देता है, तो उस कंडीशन में इनको बिल्कुल भी ड्रॉप हम नहीं करेंगे। और आपके सामने जो अदर चॉइस रहेगी अगर यहाँ से आपको खेलते नजर आए कासले, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ओके, आप चाहे तो यहाँ से इनको भी ट्राई कर सकते, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, बात करें यहाँ से मिडफील्ड में, तो यहाँ से तामीज है जिसने 1 गोल और 2 असिस्ट निकाले, डिफेंसिव पॉइंट देता, ज़्यादा ये खास इतना प्लेयर है नहीं गोल पोटेंशियल, लेकिन गोल पोटेंशियल है असिस्ट पोटेंशियल है। ओके, ब्राक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्योंकि इस टीम तरफ गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट के, तो इसलिए मैं इनको ट्राई करूँगा। ओके, यहाँ से
सत्तू रारो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ट्राई करना। और यहाँ से बडेडजी अगर खेलता है तो उस कंडीशन में ये भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ से क्रिस टिक मतलब किटो ये इस टीम तरफ पेनल्टी लेते। याद रहे इसने 5 गोल किए हैं, लेकिन 5 के 5 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो उस कंडीशन हम इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर मान लें कि हमने इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन 0-0 रखा और मैच के प्रेडिक्शन के अनुसार हमने टीम बना भी ली और अगर ये मैच 1-1 चला भी गए तो उस कंडीशन में अगर ये प्लेयर हमारे पास नहीं रहेगा ना तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इनको ट्राई जरूर करूंगा। ओके, मैं यहाँ से ज़्यादा और किसी भी प्लेयर को सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। बात करें यहाँ से सेंटर फॉरवर्ड में, तो यहाँ से मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी कैप्रारी, जो कि असिस्ट प्लस गोल दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो इस कंडीशन में इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ से जो बाकी और प्लेयर्स हैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन डेस्ट्रो और यहाँ से सिमवन इनमें से एक ट्राई कर सकते, लेकिन मैं डेस्ट्रो को टीम में ट्राई करके चलाऊँ। बात करें कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टन की, अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन देखा जाए तो यहाँ से कैप्टन बनाना चाहिए हमें कैप्रारी को। ओके, और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो डेस्ट्रो बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैच स्कोरिंग लो स्कोरिंग जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें टीम में ट्राई करके चलना चाहिए फरोनी, और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए हमें यहाँ से कैचेरिनी। ओके, लेकिन मैं अभी के लिए टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन उल्टा सीधा ही करता हूँ और ये अभी के लिए टीम रखता हूँ। लेकिन याद रहे ये सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो आफ्टर लाइनअप आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लेयर की पोजीशन देखते हुए कि कौन से प्लेयर अटैकिंग पोजीशन है, कौन से प्लेयर डिफेंस पोजीशन है, और इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन फाइनली क्या होनी चाहिए, उसका अनुसार फाइनल टीम रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए टीम जिसमें कैप्टन आप अदर चॉइस बना सकते हो बराक को, और यहाँ से क्रिस किटो जो कि इस टीम के साथ पेनल्टी लेता है उस कंडीशन में ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। ओके, लेकिन आप अगर मैच लो स्कोरिंग एक्सपेक्ट करो तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इनको टीम में कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ओके, बात कर दें यहाँ से न्यू प्लेयर हैं जिनको हम अभी के लिए पिक नहीं कर पाए, वो आफ्टर लाइन अब देखेंगे उनकी पोजीशन के अनुसार टीम में ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। ओके।